को पीवे के बारे में भी पढ़ाया जा रहा है। उसके पास होता है आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी होता है और उसके पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी होता है। और दोस्तों जो आईसी इंजन होते हैं इंटरनल कंबसन इंजन, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारा जो आरआरबी जूनियर इंजीनियर का ट्रेनिंग चल रहा है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही है, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्तों ये जानना चाहा है कि आपका आरआरबी जूनियर इंजीनियर का जो ट्रेनिंग चल रहा है वो चीज़ें हमारे साथ शेयर कीजिए कि ट्रेनिंग में क्या चीज़ पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप पूरा बने रहिए, आपके साथ पूरा चीज़ बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ हमें पढ़ाया जा रहा है। चैनल पर नए हैं दोस्तों, आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों कि हम रेलवे में जूनियर इंजीनियर बन चुके हैं, इसके पहले दोस्तों हम रेलवे में ग्रुप डी में कार्यरत थे। वहाँ पे दोस्तों हम जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके हम रेलवे में जूनियर इंजीनियर बन चुके हैं। तो दोस्तों आइए बताते हैं आपको कि हमें यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है। तो जैसे कि आपको पता है कि दोस्तों हमारा ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट मिला है, हमें ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट में हम जूनियर इंजीनियर बने हैं, जो कि दोस्तों इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो होता है उसका सब डिपार्टमेंट है ट्रैक मशीन। दोस्तों तो हमें क्या चीज़ पढ़ाया जा रहा है, हमें वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों क्या है कि देखिए, मशीन जो होता है मशीन, ट्रैक मशीन आपने देखे होंगे ट्रैक पर चलते हुए, कभी कभी पीली 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 बहुत सारे मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें आपने देखे होंगे। तो दोस्तों उस मशीन का जो यूज होता है, ट्रैक का जो ज्योमेट्री होता है, जो हमारे जिसके ऊपर ट्रेन चलती है उसमें स्लीपर्स लगा होता है, रिंग्स लगे होते हैं, आपका लाइनर लगे होते हैं, उसके ऊपर रेल होता है, रेल का मतलब सारा ये सब फिटिंग्स होता है, ठीक है। तो उस रेल का जो ज्योमेट्री है उसको सही करने के लिए रेलवे में बहुत सारे प्रकार का मशीनों का यूज किया जा रहा है। आजकल सारा काम जो है मैकेनाइज्ड होते जा रहा है। तो दोस्तों क्या है, उस मशीन को सही रखने के लिए हम लोगों को ट्रेनिंग बाद उस मशीन का इंचार्ज बनाया जाएगा, उस मशीन का एक प्रकार से मालिक बनाया जाएगा। हमारे साथ बहुत सारे स्टाफ रहेंगे, टेक्नीशियन के स्टाफ रहेंगे, ग्रुप डी के स्टाफ रहेंगे, उन लोगों की मदद से हमें मशीन को ठीक रखना है, वर्किंग कंडीशन में रखना है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि मशीन के चीज़ें, मशीन का जितना भी चीज़ है, जितना भी पार्ट्स है, उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, वही चीज़ हमें यहाँ पे सिखाया जा रहा है। तो दोस्तों अब आइए आपको डिटेल से बताते हैं कि क्या चीज़ आखिर पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों आप जान सकते हैं कि आजकल की जो जितनी भी मशीनें आ रही है, सारी एडवांस मशीनें आ रही है, ज़्यादातर ऑटोमेटिक मशीनें आ रही है। तो उसमें दोस्तों आपका क्या है कि सबसे पहले तो उसमें तो मैकेनिकल सिस्टम होगा ही, लेकिन दोस्तों उस मैकेनिकल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए उसके पास होता है आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी होता है और उसके पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी होता है, उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम भी यूज किया जाता है, हाइड्रोलिक सिस्टम का भी यूज किया जाता है। हाइड्रोलिक में क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोलिक में वर्किंग मीडियम के रूप में हाइड्रोलिक ऑयल का यूज किया जाता है, फ्लूइड का यूज किया जाता है। तो दोस्तों क्या है कि यानी कि कहने का मतलब है कि हम लोग को मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी पढ़ाया जा रहा है, प्लस में थ्योरी, जो थ्योरी पर मशीन काम कर रही है उस मशीन का थ्योरी भी पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। यानी कि आपका थ्योरी जो वर्किंग प्रिंसिपल है मशीन का, वो सारा चीज़ पढ़ाया जा रहा है। फिर है दोस्तों इसमें हाइड्रोलिक्स का काफ़ी ज़्यादा यूज है मशीन में, ठीक है। मशीन का जितना भी जो पार्ट्स है आपका, ठीक है, आपका उसमें बहुत सारा पार्ट्स है जो कि जिसका वर्किंग जो होता है वो हाइड्रोलिक सिस्टम के थ्रू होता है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को हाइड्रोलिक्स भी पढ़ाया जा रहा है। पढ़े होंगे टेक्निकल, बीटेक के होंगे, डिप्लोमा के होंगे, तो वहाँ पर भी हाइड्रोलिक पढ़ाया जाता था। तो यहाँ पे दोस्तों उसका एप्लीकेशंस है मशीन में, उसको कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, ज़्यादा यहाँ पे दोस्तों थ्योरी प्लस उसका एप्लीकेशंस बताया जाता है कि इसका यूज कहाँ पे है, पढ़ाया जाता है, फिर बताया जाता है कि मशीन में यहाँ उसका यूज कहाँ पे है। फिर दोस्तों ये सब हाइड्रोलिक सिस्टम को, मैकेनिकल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज किया जाता है हमारे मशीनों में। तो दोस्तों यानी कि हमको इलेक्ट्रिकल भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक भी पढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों ठीक है, उतना डिटेल से नहीं, लेकिन फिर भी दोस्तों मशीन में आपको क्या है कि ज़्यादा एप्लीकेशन व्यू से पढ़ाया जा रहा है। मतलब क्या है कि जो चीज़ का यूज है मशीन में उसके बारे में ज़्यादा बताई जा रही है, ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से बताई जा रही है कि अगर ये चीज़ खराब होता है तो आपको क्या चीज़ देखना है मशीन में, ठीक है। पहले तो उसके बारे में जानकारी दी जा रही है कि कौन कौन सा इक्विपमेंट्स यूज किया जाता है मशीन में और वो कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, ये सारा चीज़ बताया जा रहा है। और दोस्तों जो आईसी इंजन होते हैं इंटरनल कंबसन इंजन, उसके बारे में डिटेल्स हमें पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों क्या है कि मशीन का सबसे मेन पार्ट क्या है, इंजन है उसका, उसका सबसे प्राइम पार्ट है इंजन। क्योंकि दोस्तों अगर से इंजन नहीं रहेगा और इंजन के बारे में हम नहीं जानेंगे तो इंजन में कुछ खराबी आ जाती है तो सारा मशीन हमारा स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर जो हमारा इंजन काम नहीं करेगा तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते हैं, और जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हमारा काम नहीं करेगा, फिर दोस्तों कि हमारा जो भी लाइटिंग वाइटिंग की जरूरत है कुछ भी
मतलब हम जो है इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न ही नहीं कर सकते हैं तो स्टोर कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे हमारा मेन पार्ट क्या हुआ, इंजन। मशीन को चलाने के लिए भी इंजन की जरूरत है, और जितना भी उसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ है सभी चीज को चलाने के लिए हमारा इंजन बहुत जरूरी है। इसीलिए हमको क्या है कि आईजीएसएम इंजन के बारे में हम लोगों को इंटरनल कंबसन इंजन के बारे में काफी डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों हम लोगों को पीवे के बारे में भी पढ़ाया जा रहा है। अब ये पीवे क्या होता है दोस्तों, तो पीवे का मतलब होता है परमानेंट वे, यानी कि दोस्तों परमानेंट रास्ता, जो कि दोस्तों आपका ट्रेन को चलने के लिए दोस्तों जो रास्ता बनाया गया है परमानेंट, ठीक है, जो रेल बिछाया गया है उसी को बोला जाता है पीवे। तो ये दोस्तों क्या है कि ये भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। आपका ट्रैक मशीन है और जो पीवे है दोनों इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों हम लोगों का जो मशीन जो काम करेगी वे पीवे का ही काम करेगी। दोस्तों क्या है कि मतलब मशीन जो काम करेगी वो पीवे का ही काम करेगी। तो पीवे में क्या होता है दोस्तों कि देखिए, जो हमारा रेल है, रेल में क्या क्या चीज, बहुत सारे फिटिंग्स लगे होते हैं। आपका रेल जो होता है स्लीपर्स के ऊपर होता है, उसके अगल बगल बैलास्ट होते हैं, फिर दोस्तों उसमें आपका ईआरसी लगा होता है इलास्टिक रेल क्लिप, फिर होता है दोस्तों उसमें रिंग्स लगे होते हैं। इन सब जितना भी चीज होते हैं दोस्तों रेल से रिलेटेड जितने भी फिटिंग्स होते हैं सारी चीज के बारे में हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है, जिसको दोस्तों पीवे कहा जाता है। यानी कि फाइनली हम ये बताना चाहेंगे कि हमको मैकेनिकल भी पढ़ाया जा रहा है, मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल भी पढ़ाया जा रहा है, हाइड्रोलिक सिस्टम पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है, हाइड्रोलिक्स एक चैप्टर होता है वो पढ़ाया जा रहा है, आपका इलेक्ट्रिकल भी पढ़ाया जा रहा है, फिर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाया जा रहा है, और दोस्तों रेलवे का कुछ नियम कानून है वो सब भी हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है, वो सब एडिशनल चीज़ें हैं दोस्तों। और दोस्तों हमें मशीन पर जाके किस प्रकार से काम करना है, क्या करना है, वहाँ पे सारा हमें बताया जा रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार से कुछ चल रहा है हमारा ट्रेनिंग, इतने सब्जेक्ट का पढ़ाई हो रहा है। तो दोस्तों ये जानकर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा कि हमें क्या क्या ट्रेनिंग में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर आप भी ट्रैक मशीन में जूनियर इंजीनियर बनते हैं दोस्तों, सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनते हैं दोस्तों, तो आपका ट्रेनिंग 90% चांस है दोस्तों कि IRTMTC प्रयागराज में ही होगा, क्योंकि ऑल इंडिया में दोस्तों सबसे पुराना जो खुला था, सबसे पहले खुला था वो प्रयागराज में ही खुला था, अभी भी शायद यही है अभी, लेकिन क्या है कि कहीं कहीं और जगह बनाया जा रहा है, जैसे कि विजयवाड़ा में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो क्या है कि अभी धीरे धीरे इसका बहुत सारा ब्रांच बनाए जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहीं पे ट्रेनिंग होती है। हम लोग साउथ इंडिया, साउथ सेंट्रल रेलवे से यहाँ पे ट्रेनिंग करने आए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि साउथ सेंट्रल रेलवे में नहीं था ट्रैक मशीन का ट्रेनिंग सेंटर, क्लास ट्रेनिंग का, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे भेजा गया है। तो दोस्तों अब लेकिन विजयवाड़ा में बन रहा है, तो अब हो सकता है कि साउथ इंडिया का जितना भी बोर्ड है उधर का वहीं पे ट्रेनिंग होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारा कुछ पढ़ाई चल रहा है अभी ट्रेनिंग का। हमें आशा है दोस्तों कि हमारे बारे में जान के आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।